हेलो, वेलकम टू अभियान आईएएस। आप सभी का बहुत 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 अभियान आईएएस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, आप देख रहे हैं लिखा क्या है, एनडीए 2 मैंने सेकंड वाला पार्ट 2021 मैथ्स 14 नवंबर को जो हुआ था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये कई पार्ट में आएगा वीडियोस, इसमें सारे क्वेश्चन ही कवर हो जाएंगे। तो चूंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लेंगे। याद रखिएगा, ये सी सेक्शन ने उठाया, मैंने क्या उठाया, सी वाला, ए बी सी डी होता है ना, मैंने सी उठाया। पहला क्वेश्चन, कॉट साइन 3/5 प्लस कॉट 3/2 जो हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हम जानते हैं इसको और इसको किस में कन्वर्ट करो, या तो टेन में करो या तो कॉट में करो। तो मान लो मैंने टेन में किया, तो आप फटाफट सोचोगे इसमें क्या आएगा, ये तीन है, ये पाँच है, ये चार होगा। तो टेन इनवर्स क्या आएगा, ऐसे कर लेते हैं, कॉट टेन इनवर्स क्या आएगा मेरे पास, फटाफट देखेंगे, 3/4। ठीक, और ये क्या आएगा मेरे पास, टेन इनवर्स क्या आएगा, ये इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, 2/3 हो गया। ये हो गया हमारे पास कार्रवाई। अब क्या करेंगे, ये जो टेन का तो आ गया, तो टेन इनवर्स एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, 3/4 प्लस 2/3, 3/4 इंटू 2/3। अब क्या करेंगे, कॉट टेन इनवर्स, ये 9 और ये कितना आएगा, 8, 17/6, 12, ये कितना आएगा, 12 माइनस 6/12। तो फाइनली काटने के बाद क्या आएगा बताओ भाई, कॉट इनवर्स हमारे पास इस तरह लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स, कॉट हमारे पास टेन इनवर्स 17/6 आएगा, जिसको हम अपने फायदे के हिसाब से लिख सकते हैं, कॉट कॉट इनवर्स 6/17, इनवर्स और कॉट कट गया, आंसर आएगा 6/17, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इस बार भी ज़्यादा आया है हर बार की तरह, कोई बहुत मारामारी नहीं होता अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेते हैं। चलिए, खैर, फिर एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। अब क्या करें, 4 sin² x बराबर ये, तो अगर 4 sin² x बराबर 3 है तो साइन स्क्वायर एक्स 3/4 होगा, तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी। ठीक, अब ये √3/2 किसकी होती है, साइन 60 होती है, तो आपसे पूछा गया है टेन 3x, तो टेन 3 इंटू 60 करने में कितना आएगा, 180, तो टेन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अब इसको नोट करिए फटाफट, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ मैंने क्वेश्चन और एडिशन किए हैं, देखिए क्वेश्चन कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी उठा लिया मैंने, रैंडम कुछ अच्छे क्वेश्चन लगे, जो टाइम कम लगे वो उठाया मैंने। लेट द इक्वेशन sec x cosec x हैव ए सॉल्यूशन वेयर p इज द पॉजिटिव रियल इंटीजर, व्हाट इज द, व्हाट शुड बी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, एक कंसेप्ट होता है याद रखिएगा, एक शॉर्टकट होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर ध्यान समझिएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2, ये बेसिकली n होता है, पावर में n, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1/2 के पावर में क्या लेंगे, n। ये एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ बोला गया है sec x cosec x, तो इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँगा, ये sin x आएगा और cos x आएगा बराबर p, और sin x cosec x को अगर ऊपर गया तो p बेचारा नीचे हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि p की वैल्यू क्या होनी, व्हाट शुड बी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p, तो p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 ही होगी, क्योंकि 2 के हिसाब से सारी बात हो रही है, ये हो गया। तो देखो, ये फंक्शन के स्मॉलेस्ट पूछा है तो माइनस हो जाता, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है p, तो p 2 ही हो सकता है और कुछ नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेसिकली एक शॉर्टकट था जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने इसमें यहाँ पे किया है। अब आते हैं लॉग वाले क्वेश्चन में। लॉग में क्या करेंगे, लॉग 10 2, ये क्या करते हैं, लॉग 10 हमारे पास, इसमें होगा क्या कि जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इसका पहले बेस चेंज करते हैं, लॉग 10 अपॉन क्या लिखते हैं, लॉग 2। ठीक है, ये भी मान लो बेस 10 पे हमने ब्रेक कर दिया, और ये क्या आएगा, x
लॉग 10/10 ये वैल्यू कितना मेरे पास आएगा, यहाँ पे बराबर आएगा 2। अभी चीज़ें आसान हो गई हमारे लिए, हम इसको यहाँ से काट दिए, इसको काट दिए, ये 1 होगा ये भी 1, तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे बीच में एक प्लस का साइन भी था, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बराबर 2, ये क्या आएगा 2 माइनस 1 बराबर 1, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सिंपल शॉर्टकट तरीका है। ये कैसे ब्रेक किया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा क्लास में, तो आप बोलोगे सर ये लॉग एक्स है, ये लॉग ए, बेस आप ई लो, ए लो, 10 लो, 20 लो, कुछ भी लो, उसके हिसाब से ब्रेक करके हमने सॉल्व कर दिया, कट की वैल्यू हमारे पास एक्स की क्या आ गई, 1 आ गई। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका है डिटरमिनेंट्स। इसमें क्या करना है, इसमें बोला है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। तो जब भी डिटरमिनेंट पे जीरो रहता है ना, तो हमारा काम काफ़ी वो आसान कर देता है। कैसे आसान कर देता है देखते हैं। देखिए हम इसको ओपन करते हैं, तो कॉस सी हैगा, ये तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साथ में क्या आएगा मेरे पास टेन ए, और क्या आएगा साइन बी, माइनस होगा बीच वाला, टेन ए लिया हम लोगों ने, ब्रैकेट में क्या आएगा ये ख़त्म, साइन बी कॉस सी, और क्या आएगा मेरे पास ये ख़त्म, और होगा जीरो, छोड़ दो पूरा इक्वेशन। क्या मिला देखो, पहला क्या मिला कॉस सी, कॉस सी टेन ए साइन बी माइनस टेन ए साइन बी कॉस सी, दोनों बराबर है, जब सब कट गया आंसर क्या आ गया, शून्य आ गया, खत्म, मत हो गया, गॉट द पॉइंट। ये हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एस के डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट के। अब एस के इन्होंने कहा कि भाई आप के के प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है, ये हमको पता है, एन एन प्लस 1 बराबर वाला यूज किया है, ठीक है। अब 30 में क्या करेंगे जरा सोचो, अब क्या है 30 में करेंगे 30 × 31/2, और ये क्या होगा 20 × 21/2 माइनस 10 × 11/2, सब में 2 हम काट सकते हैं, अच्छी बात है। तो 30 × 31/20 × 21 माइनस 10 × 11, सबका जीरो काट दो, 93, 42 माइनस 11, 93/31 कितना आंसर आ गया 3। कौन सा ऑप्शन हमारे को ऑप्शन तक अगर मान लिए हैं, आंसर क्या होगा आंसर 3 होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ये क्या मेरे पास ये है, तो आप कुछ मत करो, इसमें कोई दिमाग मत लगाओ, आप इसको कॉमन ले लो, ये आएगा 1 एक्स, एक्स के बाद में स्क्वायर आएगा, ये कितना आएगा इंटू जीरो कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी जीरो, क्यों जीरो दिया है, आंसर क्या हो गया जीरो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास है ये, तो आप चूंकि ये एपी में है, इसका मतलब सिंपल मतलब ये है कि 2 to the power x - 1, मैंने जैसे बोलते ना 2b, इस तरह सोचो 2b बराबर क्या होता है a प्लस सी, बराबर हम क्या लिख सकते हैं a, ये होगा 2 प्लस, ये होगा मेरे पास क्या 2x + 3, ये 2 इधर चला जाएगा, और ये ऐसा कर लेंगे 2 × 2x + 3, लॉग से लॉग साफ। अब 2x को हमने p का नाम दे दिया, ये हमारा फायदा करेगा, लॉग से लॉग साफ, तो क्या होगा p − 1 स्क्वायर। अब लॉग से लॉग साफ ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सेम ऑपरेटर्स है तो ये कट जाते हैं, ये 2p + 3, तो p² माइनस क्या आएगा 2p + 1 और 2p + 6, तो p² − 4p - 5 बराबर जी, पी के दो मान आएंगे, एक 5 आएगा एक -1, तो -1 तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो पी का मान क्या लेंगे 5, तो 2 to the power x बराबर p, इसको हमने 5 का नाम दिया, तो 2 to the power x बराबर अगर 5 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप कुछ सोचो, x की वैल्यू हम ले सकते हैं log 5 base 2, क्यों, अब जानते हैं अच्छे से 2 × x 5 बराबर क्या होगा 2 के बाद में x होगा, तो अगर x लेते हैं तो log 5 base 2 होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लासेस में जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हैं वो धीरे धीरे हम करते रहेंगे, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर बजाइए, अगर कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।